तो अभी पता है क्या हो रहा है हमारे साथ, एक अत्याचार हुआ हमारे ऊपर कुदरत का। हमने कपड़े सुखा के बाहर टांगे हुए थे ताकि धूप लग के उनकी जो नमी होती है वो ख़त्म हो जाए, लेकिन क्या हुआ, हमने उनको सुखाया, सुखाने के 15-20 मिनट के बाद, पहले तो धूप थी, 15-20 मिनट के बाद एकदम से बादल आ गए। हमने फटाफट क्या किया, भाग के फटाफट सारे कपड़े उतारे, और उसके ना 15 सेकेंड के बाद है ना फिर से दोबारा धूप आ गई। अब हम इस कन्फ्यूजन में हैं, क्या दोबारा कपड़ों को वहाँ पर सुखाया जाए, बताइए क्या कपड़ों को वहाँ पर दोबारा सुखाया जाए या नहीं सुखाया जाए। तो हमने अभी यही फैसला किया है कि हम कपड़ों को वहाँ ना सुखा के हम ऐसी जगह सुखाते हैं जहाँ पे बारिश की बूंदें ना आए और थोड़ी सी धूप की किरणें वहाँ पे आती रहें, तो थोड़ा सा शेड में इनको सुखा दिया गया, एंड देखते हैं हमारा मिशन कितना सक्सेसफुल होगा। ये जो जिमनास्टिक का गेम है इसके अंदर मेरे को एक चीज तो पता है कि 3:3 होता है, कि 3 मूव्स दिखानी होती है अपनी बेस्ट, लेकिन ये डिसाइड कैसे करते हैं कि ये विनर होगा, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, मतलब वो क्राइटेरिया मेरे को समझ नहीं आ रहा कि इस टाइम के अंदर उनको ये मूव्स करने हैं, ऐसा कुछ शायद हो सकता है क्योंकि टाइमिंग्स दिखा रहे हैं नीचे कि इतनी सेकंड्स में इसकी जो बेस्ट मूव्स थी वो थी, इतने में इसकी एग्जीक्यूटिव मूव्स थी। मूव्स बोल रहे हो ना, उनका टाइम लिमिट होगा कि 15 सेकंड में इसने कर दिया जल्दी, मतलब जिमनास्टिक इज ऑल अबाउट फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ बॉडी, कि कितना बॉडी फ्लेक्सिबल, जितना फ्लेक्सिबल। दो तो विनर आ गए, अब तीसरा देखो कौन है। तो ये गेम देखते देखते ना मेरे दिमाग में एकदम से क्लिक हुआ क्वेश्चन कि किस तरीके से फर्स्ट सेकेंड थर्ड प्लेस यहाँ पर देते हैं, तो अभी मेरे को पता ही नहीं लग पा रहा है, लेकिन कोई नहीं, पता कर लेंगे गूगल करके। सिर्फ इस मैट को सुखाने के लिए छत पे कपड़े डालने गई थी, लेकिन मेरी मेहनत देख लो आज की, ये देखो ये कपड़े मैं कल धोए थे और फिर दो बार बाहर सुखा के आ चुकी हूँ, लेकिन ये देखो बेशरम मौसम, पूरी पूरी धूप आ चुकी है और अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे एकदम बारिश जैसा मौसम हो गया था। रोमियो को अंदर करोगे क्या, क्या दे रहे हो उसको, मैंगो? ओए बहुत खतरनाक है ना तो इस मामले में, है ना, खतरनाक इंसान का चेहरा मैं आप लोगों को जरूर दिखाना चाहूंगा, और वो चेहरा है ये है वो चेहरा खतरनाक आदमी का। तो आपने देखा खतरनाक आदमी का चेहरा, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है, हम बात कर रहे हैं खाने की, और अभी हम जाएंगे, हमारा जो खाने का जो कोटा है वो ख़त्म हो चुका है, एंड अभी मैं पहले रोमेटिंग को घुमा के लाऊँगा, देन जाएंगे हम कोटा लेने। और इसी के साथ हम आप लोगों का आज हमारे छोटे से प्यारे से नन्हे मुन्ने से व्लॉग के अंदर बहुत अच्छे से गर्मा गर्म ताज़ा स्वागत करते हैं, हैं ऐसे ही होता है ना, हाँ। अब ना दोबारा से मतलब शाम का वो बनाया है तो, लेकिन बनाया फ्रेश है बिल्कुल। तो इसी के साथ हम करते हैं आप लोगों का स्वागत, एंड इसी तरीके से हमारे साथ बने रहें, कॉफ़ी पीते रहें, अपनी सेहत का ध्यान रखते रहें, एंड कोरोना अभी ख़त्म नहीं हुआ है तो उससे भी बच के रहें। और ये बाहर रोमियो भाई साहब अपनी ड्यूटी करते हुए, और अभी हम इसको यहीं रोकते हैं, थोड़ी देर में इसको फिर कंटिन्यू करेंगे। पहले ही मैंने यहाँ की वीडियो बनाई थी कि यहाँ पे पहले रोड बनाया गया, फिर साइड में ड्रेनेज के लिए नालियाँ बनाई हैं, वो बनाई गई और उसके चारों तरफ मिट्टी कर दी, एंड आज शायद किसी ने मेरी बात सुन ली और ये सामने से सफाई हो रही है, तो बहुत खुशी हुई देख के। बाकी देखते हैं कितनी देर में पूरा क्लीन हो जाएगा। तो अभी हम चल दिए हैं मार्केट की तरफ घर का सामान लेने, और ये पीछे की जगह खाली कर दी जाए क्योंकि यहाँ घर का इम्पोर्टेंट सामान आने वाला है। ये हमारी गाड़ी अभी तक यहाँ से ठीक नहीं हुई है, और आगे देखते हैं कितने दिन के बाद ठीक होगा, और ये हम विराजमान हो जाते हैं अपनी गाड़ी में। तो अभी हम पहुँच चुके हैं अपने घर का सामान लेने के लिए, गाड़ी यहाँ होगी पार्क, और ये सुपरमार्केट में हम पहुंच चुके हैं, ग्रॉफर्स मार्केट,
अभी चलते हैं अंदर एंड देखते हैं, एंट्रेंस चेंज करते हैं। यहाँ की सेटिंग हो चुकी है चेंज, पहले काउंटर थे यहाँ पे और काउंटर जाया गया है, एक्सटेंड कर दिया। हम लोग मार्केट से एक नया आम लेके आए हैं, इसको अल्फेंसो बोल के मार्केट में बेचा जाता है। वो तो पता है कि अल्फेंसो ये नहीं है और अल्फेंसो इतना सस्ता नहीं आता, बट आप देख सकते हैं इसके ऊपर लेबलिंग भी ये लोग अल्फेंसो की लगा। So luckily, Alfonso looks like दर्शन कर लो। हाँ, इसके दर्शन कर लो। So, आपका वैक्सीनेशन लगवाने के बाद कैसा एक्सपीरियंस रहा? इस चेहरे की स्माइल को देख के उस स्माइल पे मत जाना। क्यों? इंजेक्शन यहाँ लगा, दर्द पूरे शरीर में हो रहा है। अच्छा। पुरानी जितनी भी चोटें लगी हुई हैं खेलते कूदते हुए बचपन की, सबकी याद दिला दी आज हमें। सारी जितने भी चोट लगी हुई हैं सबकी याद आ गई है। और कल रात को 1:30 बजे के आसपास मुझे फीवर शुरू हो गया था एंड मैंने उसी टाइम पैरासीटामोल ली थी। उसके बाद मैं नॉर्मल रहा, लेकिन शाम को जैसे ही मैं इनको रनिंग करवा के लेके आया, दैन आते ही मेरे सबसे पहले तो पैरों में पेन शुरू हुआ। फिर उसके बाद मेरे को जो जो चोट लगी हुई हैं वहाँ पर थोड़ा थोड़ा पेन हुआ। अभी मेरे को ये पेन है यहाँ पर, शायद ये फीवर की वजह से है क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर हाई है अभी। एंड यहाँ पे इंजेक्शन लगा है, वहाँ पे मेरे को ऐसे प्रेस करने पे भी पेन हो रहा है, लेकिन मैं अभी तक तो बर्दाश्त कर पा रहा हूँ। मैं टेबलेट नहीं ले रहा हूँ कोई भी, देखते हैं आगे भी, शायद कल तक तो ठीक ही हो जाए और फिर हम कोरोना की सेकेंड डोज जो हमने ली है कोविशील्ड की वो एब्जॉर्ब कर लेंगे। हाँ, वो एब्जॉर्ब कर लेंगे एंड देश को आगे बढ़ने में हमारा भी एक साथ जो होगा हम उसके लिए बहुत खुश हैं। जय हिंद, जय भारत, सल्यूट। आ गए हैं हमारे रात के सैंडविच, जिस पे सिर्फ टिंगू का, रोमियो का हक नहीं है, मेरा एंड तेरा हक नहीं है। ये वाले जो दो है ये मेरे हैं क्योंकि कम सिके हैं, ये वाले आपके हैं और नीचे वाला रोमियो टिंगू का है, वो बिल्कुल भी सिका नहीं है। ओके। और मैं एक ही लाई हूँ इनका। क्यों? आधा आधा ना, एक एक पूरा देंगे। चल मैं आज तेरे को एक मज़ेदार स्टोरी बताता हूँ। जब अपन ग्रोफर्स में गए थे ना, उस टाइम पता क्या हुआ, एक छोटा बच्चा घूम रहा था वहाँ पे, तो मैं उसको डराने के लिए गया। मैंने उसको डराया, मैंने कहा हो, तो वो डर गया। फिर मैंने उसको बोला, मैंने कहा यहाँ पे भूत घूम रहे हैं, तो पता है आके मेरे को क्या बोला, बोले भैया वो भूत नहीं है, वो एक मेरी मम्मी है, वो एक मेरी नानी है। बोला चला गया। आज उसने पता है क्या किया, आके मेरे पास ही बोला, बोला क्या भैया जिनको आप भूत समझ रहे हो ना वो भूत नहीं है, वो मेरी मम्मी और मेरी नानी। फिर मैंने स्पेशल देख के आया उसकी नानी और भूत, वो भूत कर रहा हूँ उसकी नानी और उसकी मम्मी कौन है। आ रोमियो, क्या पता घर जाके बोल दे, बैठ गया तो भैया ही बोल रहे थे कि आप दोनों भूत हो। कोई भरोसा नहीं है, बोल भी सकता है। एंड इसी स्टोरी के साथ आज के दिन की स्टोरी को करते हैं हम यहीं पे समाप्त। एंड गाइस, आज कोई शाउट आउट नहीं है क्योंकि किसी भी नए सब्सक्राइबर ने कमेंट नहीं किया है, सो कल देखते हैं, कल कोई नया कमेंट आएगा तो विल डू शाउट आउट। टिल देन विल एंड दिस व्लॉग एंड विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। टिल देन बहुत सारा टेक केयर एंड बाय बाय, लाइक शेयर एंड डू सब्सक्राइब। मौका दो यार आप लोगों का नाम इस प्लेटफॉर्म पे लेके आने का, हम गरीब आदमियों को छोटा मौका दे। तो मिलेंगे फिर दोबारा, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।